नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने एनसीईआरटी का गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो इसका जो प्राइस टैग है वो ₹60 है। बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको 402 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। क्या खास है इस बुक में, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विषय सूची की ओर जाते हैं। पेज थोड़ा जुड़े हुए हैं, फिर पेज को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। विषय सूची में आपको वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, इसके बाद ये पेज भी जुड़े हुए हैं, इनको अलग कर लेते हैं। एक्चुअली रिव्यू के लिए नई बुक लाई जाती है, तो थोड़ा सा पता नहीं चल पाता कौन से बुक जुड़े हुए हैं, कौन सी किताबें, कौन से पेजेस जुड़े हुए हैं। इसका द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता और परिशिष्ट 1 गणितीय उपपत्तियां, परिशिष्ट 2 गणितीय निर्देशन, उत्तर और संकेत आपको आखिरी में देखने को मिलते हैं। बात करें इसके चैप्टर जो पार्ट है उनके पैटर्न की, तो सबसे पहले आपको यहाँ से भूमिका शुरू होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ से एक तरह की ये आपकी थ्योरम है, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। इसके बाद आगे चले ये एल्गोरिथम क्या होता है बताया गया है। थोड़ा और आगे चले, कोई भी क्वेश्चन है उनके उदाहरण दिए गए हैं, क्वेश्चन के चरण दिए गए हैं किन स्टेप्स में उसको सोल्व करना है। इसी प्रकार उदाहरण दो उदाहरण दिए। इसका प्रश्नावली शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं। बीच बीच में प्रश्न के संकेत भी दिया गया है जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टॉपिक में भी कुछ थ्योरम दी गई है, उनके उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो, उदाहरण 5, 6, 7, 8, फिर प्रश्नावली 1.2 आपको दी गई है। 7 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, उसमें फिर से उदाहरण दिए गए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो बोर्ड है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पर उदाहरण 11, फिर इसके बाद प्रश्नावली शुरू हो जाती है 1.3। 3 ही क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सोचते हैं कि 3 ही क्वेश्चन है तो बस यही करना है, आप एग्जाम्पल भी कीजिए, क्योंकि बोर्ड में कभी सीधे सीधे एग्जाम्पल्स भी दे दिए जाते हैं, तो आप इनको अवॉइड ना करें, एग्जाम्पल्स को भी हल्के में ना लें। इसके बाद आगे चलते, देखो यहाँ पर भी पेजेस जुड़े हुए हैं, तो इन पेजेस को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसके रिव्यू कर सकें इनका। ये उदाहरण दिया गया है, इसका प्रश्नावली 1.4 और उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके सब पार्ट भी दिए गए हैं, पहले के काफ़ी पार्ट्स दिए गए हैं। इसका सारांश दिया गया है, एक समरी दी गई है पूरे चैप्टर की, सारे जो टॉपिक्स है कवर किए हैं उनकी, और यहाँ पे पाठकों के लिए विशेष एक बॉक्स दिया गया है आपके समझने के लिए। तो सिंपल सा पैटर्न है, सबसे पहले इसमें कई सारे टॉपिक्स है, उनकी थ्योरी है, थ्योरी के ठीक बाद उनकी पर्सनावली है, एक्सरसाइज है, कम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, हर टाइप का एक अलग क्वेश्चन में दिया गया है। आगे चले तो इसके अंदर आपको अगली जो प्रश्नावली है वो 2.1 देखने को मिलती है। इससे पहले एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ थ्योरी टर्म्स दी गई है, यहाँ पर प्रश्नावली शुरू होती है, केवल एक क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इनके उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण पाँच के बाद स्टार लगाया हुआ है, इसका खास तौर से ध्यान रखना है, जिसको पर स्टार लगा है वो आपको नहीं करना है। देखिए यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब परीक्षा में ये आने वाला नहीं है, ये परीक्षा के लेवल का नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स के बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, फिर से आपकी थ्योरी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फिर आपकी पर्सनालिटी, एक चीज का मतलब आपकी मर्जी है, आप उसको कीजिए या ना कीजिए, ठीक है। लास्ट में सारा सोई समरी आपको देखने को मिलती है। तो पूरी बुक में ये पैटर्न यूज किया गया है, 2 स्याही का यूज किया गया, 2 इंक का यूज किया गया, 1 तो ब्लू और 1 ब्लैक, पूरी जो बुक है इसी से छपी हुई है। लास्ट में आपको परिशिष्ट देखने को मिलती है, गणितीय उपपत्तियां आपकी जो थ्योरम्स होती है वे दी गई है, गणितीय निर्देशन कुछ खास बातें बताई गई है गणित के बारे में, फ्लो चार्ट वगैरह से समझाया गया है चीज़ें, काफ़ी नई चीज़ पता लगेगी आपको। जैसे ही परिशिष्ट 2 भी खत्म होती है तो यहाँ पर उत्तर दिया, हर प्रश्नावली के उत्तर यहाँ पर मिलेंगे, आपको आंसर यहाँ पर मिलेंगे।
तो कुल मिला के अच्छी बुक है। अगर हम रिव्यू में रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 की रेटिंग की हकदार ये बुक है। जो आधा रिव्यू है वो इसलिए कट के, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है, और जो आधा जो नंबर रेटिंग इसकी कट की है वो इसलिए की है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो आंसर है वो लास्ट में है। आप चाहते तो ठीक प्रश्नावली के लास्ट में आंसर दे सकते थे, आपको हर बार प्रश्नावली सोल्व करने के बाद लास्ट में खोलना पड़ेगा आंसर चेक करने के लिए। ये कोई खुद में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, पहले बुक्स में ही आता था, लेकिन अब इनको थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए, प्रश्नावली के तुरंत बाद इनको आंसर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।